इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। ये भी कहा कि तमाम सियासी पार्टियां बिना कोई छोड़े हुए सब जो हैं इलेक्शन के लिए तैयार थे। सिर्फ यहाँ की मौजूदा इंतजामिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इलेक्शन करवाने पे उन्होंने रोक लगाई, कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़्यादा। इन हालात में फिर मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि अगर अभी जबकि और रियासतों में असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यूपी जैसी रियासत में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, अगर इस दौरान आप एक साथ इलेक्शन नहीं करा सकते तो आगे जाके जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, जब यूपी में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, तब कहाँ से फोर्सेस आएंगी आपके पास? ये मौका था इलेक्शन कराने का, नहीं कराना चाहते। जाहिर सी बात है, ये बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, उनकी हाथ में, इनके हाथ में सारा पावर इनके पास है, ये छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन जो है वो मुकम्मल करने हैं। और जैसे मैंने कल अपनी तकरीर में कहा, इख्तदार जो है वो दोबारा लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। सर, अनाउंसमेंट कब हो जाएगा वो कैंडिडेट? मुझसे ज़्यादा आप लोग बेफिक्र हैं कैंडिडेट्स के बारे में, बाकी ने किया कुछ? फिलहाल जहाँ तक मुझे मालूम है, तीन उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जुगल का जी, और यहाँ शुमाली कश्मीर से अपने सजाद लोन साहब ने, और इशारतन आज़ाद साहब ने शायद सरूरी का कहा हुआ है। इसके अलावा तो किसी ने अभी ऐलान नहीं किया। करने दीजिए, कांग्रेस ने भी किया। किसने, किसका? ताराचंद साहब का। मैंने तो अभी कांग्रेस का सुना नहीं, क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कब करेगा? चल रही है सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कब करेगा? कांग्रेस ने अभी अपना कैंडिडेट अनाउंस किया नहीं, हम करेंगे ना, बाकियों को करने दीजिए, हम भी कर लेंगे। ठीक है सर, कोई जल्दी नहीं। थैंक यू सर।